To an absurd suggestion by the chairperson of the UP Women's Commission, Babita Chauhan, who, in order to make the world safer for women, says women going to the gym must not have male instructors. She says another way to have safety for women is to make sure that no woman ever goes to a male tailor and no male tailor takes measurements of any woman. Now, ladies and gentlemen, what's this? What's going on here? Babita Chauhan will join us. This is what she did. Female hairstylist for women customers. Female dance teachers for students. Female tailors for women clients. These are just few of the many bizarre proposals made by the UP State Women's Commission. This comes as a part of what they call an initiative to protect women. This is what Chief of UP Women's Commission had to say in her defense. ये कोई ऐसी गाइडलाइन या कोई ऐसी चर्चा का विषय नहीं है. ये मुझे लगता है कि हम महिला आयोग है हमारा और हम महिलाएं हैं, महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ, तो इस नाते थोड़ा सा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से ये हमने प्रस्ताव लेके आए हैं. क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो जेंट्स ट्रेनर के साथ कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन उनकी मजबूरी है क्योंकि ट्रेनर उनके पास है ही नहीं, महिला ट्रेनर ही नहीं है. तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब सारी जगह महिलाएँ काम कर रही हैं, हर ऑफिस में है, हर जगह महिलाएँ हैं, तो जिम में महिलाएँ क्यों नहीं हैं? जिम में ट्रेनर क्यों नहीं है महिलाएं? The rationale given by the commission for this bizarre proposal was alleged harassment of women in gym. The radical list of suggestions was ratified in a meeting held on October 28th. While the Uttar Pradesh Women's Commission asserts that these measures are aimed at enhancing safety and empowering women, one might argue that these steps may not be the solution to the deeper systematic problems of harassment and inequality. We have a one-on-one. Shaista Ambarji, welcome. She's a women's activist from Kanpur. Babita Chauhan is chairperson of the UP Women's Commission. Ms. Chauhan, can you hear me? आपको मेरी आवाज़ आ रही है चौहान, बबीता चौहान जी? जी बिल्कुल आ रही है. मैम, ये सवाल आपसे मेरा ये है कि आपने कहा है कि कई सारे आपने प्रपोजल्स दिए वुमेन सेफ्टी के लिए, मगर उसमें से ये भी प्रपोजल है कि किसी भी महिला के का हेयर कट कोई पुरुष ना करे, विच मीन्स नो वुमेन्स हेयर कट शुड बी डन बाय अ मैन. Why should a woman's haircut not be done by a man? इसमें आपको सेफ्टी की क्या एंगल है इसमें? All India Muslim. अर्णव जी, पहले मैं आपको बताऊंगी कि शायद आपने वो पेपर नहीं पढ़ा जो मैंने भेजा है. इसमें ये चीज़ ही नहीं है कि जो महिला कटिंग की बात की जा रही है. मेरा जो प्रस्ताव है वो सिर्फ ये है कि जो हमारे पार्लर हैं, आ रही है आपको आवाज? जी आ रही है, आ रही, बोलिए. हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आवाज आ रही है जी. मेरा ये कटिंग का तो कहीं, हेयर कट का तो कहीं जिक्र भी नहीं है उसमें. मेरा सिर्फ ये था कि जो ब्यूटी पार्लर हैं उनमें अगर हम जो ब्यूटिशियन है, जैसा आपने भी देखा होगा भाई, आपने तो ग्राउंड जीवन जीरो से अपनी पत्रकारिता की है, आपको भी पता है सारी चीज़ें. ऐसा नहीं है कि हम कहीं बाहर से आए हैं, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगी कि जब जो पार्लर हैं उसमें मेकअप जो आर्टिस्ट होते हैं, पहले अक्सर ये होता था कि महिला जो पार्लर थी उसमें जनरली महिलाएं होती थी, और आज एक ट्रेंड सा चल गया है पिछले 1.5-2 साल से कि उसमें भी पुरुष काम करते हैं, उसमें भी लड़के सारे काम करते हैं. तो मैं आपको बताना चाहूँगी, ऐसा मैंने कहीं नहीं लिखा है, ना मेरा कोई लिखित में है, ना कोई आदेश है कि जिसमें महिलाएँ पुरुष कटिंग नहीं कर सकती. यानी मेरा सिर्फ ये कहना है पुरुष भी काम करें लेकिन उसमें महिलाएँ भी काम करें. स्पेशली अगर मैं बात करूँगी तो ये है कि जो मेरा जो मेन फोकस था, वो आपने भी देखा होगा कि इतनी रील्स, इतने वीडियोस, इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं कि जो हमारे यहाँ ब्राइडल मेकअप होते हैं, आजकल एक ट्रेंड सा चल गया है कि उनको भी लड़के कर रहे हैं. स्पेशली जो छोटी बच्चियाँ हैं जिनकी शादी होने वाली है, उनको तैयार कर रहे हैं, उनको कपड़े तक पहना रहे हैं, उनको साड़ी और लहंगे तक वो कर रहे हैं. तो मेरा मानना ये है कि और भी चीज़ें हैं, हेयर कट करें,
चाहे वो पेडिक्योर मैनिक्योर या और भी बहुत सारी चीज़ें अपना कराएं, लेकिन जब ये महिलाओं को कपड़े पहनाने तक की बात आती है, बच्चियों को कपड़े पहनाने की बात आती है, साड़ी या लहंगे पहनाने की बात आती है, तो मुझे लगता है कि वो महिलाओं से ज़्यादा अच्छे तो नहीं पहना पाते हैं। और ये ना तो हिंदुस्तान के संस्कार हैं और ना ये यहाँ की। अच्छा, एंटी संस्कार है। अच्छा, शैस्ता अंबर जी, क्या बात। शैस्ता अंबर जी, मैं इस पर अपनी राय नहीं दे रहा हूँ इस वक्त। शैस्ता अंबर जी, बबीता चौहान जी हैं, वो चेयरपर्सन यूपी महिला आयोग की, वो कह रहे हैं कि भारत की संस्कृति नहीं है कि कोई पुरुष किसी महिला की का ड्रेस बनाए या फिर ड्रेस पहनाए या मेजरमेंट ले, और ये सेफ्टी के पहनाए मेजर, वो अलग बात है, पहनाना एक अलग बात है। अच्छा, आप जी शाइस्ता अंबर जी, जी मैं बबीता चौहान जी की इन बातों से मैं एक्सेप्ट करती हूँ, और लेकिन साथ में ये भी है कि अगर वो जो टेलर हैं, अगर उन गांव देहात में हैं, कहीं ऐसी जगह हैं जो छोटा सा रोज़गार चला रहे हैं और वो सिवाय खुद के रोज़गार चलाने के और कोई इतना साधन नहीं है कि वो महिला टेलर को बुलाएं और उनको भी सैलरी दें, तो ये तो मर्जी की बात है कि अगर कोई महिला टेलर नहीं मिल रही है तो वो लड़कियां या औरतें अपना सूट सिलवा नाप नहीं ले सकते दे सकती हैं, तो वो अपने सूट खुद दे दें कि भाई इस नाप के सिल लें। और दूसरे ये कि ये बात भी मैं इस पर सहमत हूँ और उनकी बात को भी मैं समर्थन करती हूँ कि जो मेकअप आर्टिस्ट हैं या जिम ट्रेनर हैं, ऐसे लोग बहुत सारी ऐसी औरतें टैलेंटेड हैं जो साथ में औरतें करवा सकती हैं, तो उनको मौका दिया जाना चाहिए। नहीं, मगर इसपे नियंत्रण क्यों? नहीं, अगर ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है बबीता जी, जिम आप ये भी कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ कोई मेल जिम ट्रेनर ना हो, ऐसा क्यों? नहीं, मैंने ये नहीं कहा है, आप पहले मेरी पूरी बात समझिएगा फिर इसको करिए। देखिए, मैंने कहा है कि जिम ट्रेनर भी हों, डिपेंड करेगा महिला की चॉइस पे कि वो किसके साथ जिम करना चाहती है, लेकिन ऑप्शन के तौर पे वहाँ महिला भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो पुरुषों के साथ नहीं ट्रेनिंग करना चाहती हैं, जो जिम नहीं करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है इसलिए वो वहाँ कर रही हैं। मैंने ये नहीं कहा, वो उनकी इच्छा है, उनकी मर्जी है कि वो करना चाहें। अच्छा, और जहाँ तक टेलर का सवाल है, तो मैंने ये नहीं कहा कि टेलर महिला होनी चाहिए, मैंने कहा टेलर अगर आपको अच्छा लगता है, आपके कपड़े अच्छे सिल रहा है, तो जरूर रखें, लेकिन मेजरमेंट के लिए लड़कियां रहनी चाहिए, क्योंकि जब आप जानते हैं जब ड्रेसेस बनती हैं, जब कपड़ों के नाप लिए जाते हैं, तो वो कितना क्लोज चीज़ें हो जाती हैं, तो वहीं जब बैड टच की बात आती है तो वहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू होती हैं। यही बात मैं कहना चाहूँगी पार्लर की बात, कि जब बच्चों को साड़ियाँ पहना रहे होते हैं, जब मेकअप कर रहे होते हैं वो एक कमरे में, और उसकी वीडियो बनाकर जब वो वायरल करने के लिए होते हैं, तब वो बच्चियों को ब्लैकमेल करते हैं, वो क्योंकि बच्ची भी नहीं चाहेगी या उसके पेरेंट्स भी नहीं चाहेंगे कि उनकी बच्ची को कोई पुरुष जाए और वो कपड़े पहनाए या साड़ी पहनाए, तो जब ये वायरल करने वाली बात होती है तो वो कहीं ना कहीं बच्चे को ब्लैकमेल करते हैं। आप कह रहे हैं कि आपकी चीज़ों को थोड़ा सा मीडिया में मिसअंडरस्टैंड किया गया, आप कह रहे हैं आपके आपने आपने इसको ऑप्शनल रखा, कंपल्सरी नहीं की, क्योंकि जो मीडिया में जो खबर आई है वो ये है कि आप कह रहे हैं कि कोई पुरुष किसी महिला के कपड़ों की टेलरिंग नहीं करे, कोई पुरुष किसी महिला के हेयर कटिंग नहीं करे, मेजरमेंट ना ले, उसमें भी ये ऑप्शन है। हाँ, उसमें भी ये ऑप्शन है, अगर स्वेच्छा से महिला चाहती है कि मेरा मेजरमेंट पुरुष ही ले, तो वो लेने को स्वतंत्र है, वहां हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले। लेकिन जो नहीं चाहते, जहाँ ये बैड टच वाली हमारे पास शिकायतें आती हैं, वहाँ भी एक ऑप्शन होना चाहिए कि वहाँ महिला मेजरमेंट के लिए रहे। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग बबीता जी, ये इंटरेस्टिंग है आपने अपनी बात जो रखी। एंड व्यूअर्स, इफ यू आर सीइंग दिस वायरल स्टोरी गोइंग अराउंड दैट द यूपी कमीशन फॉर वुमेन इज सेइंग मेन शुड नॉट टेलर वुमेन्स क्लोथ्स और कट वुमेन्स हेयर, द यूपी वुमेन्स कमीशन चीफ इज ऑन माई प्रोग्राम सेइंग दैट इज नॉट द केस and it has been misrepresented. I am putting both sides out. Tell me what you think.